स्टूडेंट्स आई एम प्रोफेसर वकार अली फ्रॉम पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आज हम लेक्चर नंबर फाइव चैप्टर नंबर सेवन डेटाबेस फंडामेंटल्स में से डेटाबेस मॉडल्स को डिस्कस करेंगे डेटाबेस मॉडल्स मॉडल की जब भी बात की जाती है तो कहता है इसका मतलब है हम किसी स्ट्रक्चर की बात कर रहे होंगे जब भी बात की जा रही है डेटाबेस मॉडल्स की तो कहता है ये स्ट्रक्चर किसके होंगे आपके डेटाबेस के और कहते हैं डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर डिजाइन किया जा रहा होता है वो फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता बल्कि कौन सा स्ट्रक्चर होता है आपका लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस इज नोन एज अ डेटाबेस मॉडल फिर सेकंड पॉइंट में क्या कहता है कहते हैं इट डिटरम हाउ डेटा इज स्टोर्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनिपुलेटेड यानी कि आपके जो लॉजिकल मॉडल है लॉजिकल स्ट्रक्चर है वो क्या क्या चीजें बता रहा होता है कहता है वो ये डिटरमिन करता है कि आपने डेटा कैसे स्टोर करना है कैसे ऑर्गेनाइज करना है और कैसे उसे मैनिपुलेट करना है यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन जो डेटाबेस पे परफॉर्म किए जाते हैं वो क्या क्या होंगे ये सब चीजें बताना किसका काम है आपके डेटाबेस मॉडल्स का काम कहता है कहते हैं हमारे पास जो डेटाबेस मॉडल्स हैं वो फाइव डिफरेंट टाइप्स के एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनके बारे में हम क्या करेंगे स्टडी करेंगे वो कौन कौन से हैं अगर हम देखें तो कहते हैं नंबर नंबर पे पे है hierarchical database model, number two पे है डेटाबेस मॉडल नेटवर्क डेटाबेस मॉडल थर्ड वन जोन से आपका रिलेशनल डेटाबेस मॉडल फोर्थ वन आपका ऑब्जेक्ट ऑरियंटेड डेटाबेस मॉडल एंड फिफ्थ वन जो से आपका ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है ये पांच मॉडल वो हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं आपके डेटाबेस की डिजाइनिंग के लिए लेकिन याद रखें इन तमाम की जो अप्रोच है जो इनके स्ट्रक्चर्स हैं वो एक दूसरे से क्या है डिफरेंट है यानी के इनमें जो स्टोरेज के कैपेबिलिटी है इनकी ऑर्गेनाइजेशन और इनकी डेटा मैनिपुलेशन की जो टेक्निक्स है वो क्या है? एक दूसरे से डिफरेंट है अब सबसे पहले बात करते हैं हेरिकल डेटाबेस मॉडल हिरारिकी वर्ड हमने बहुत दफा सुना होगा हिरार्की क्या होती है कहते हैं एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है इट्स अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर अब जब हम बात करते हैं और अब जब हम बात करते हैं डेटाबेस के हवाले से कि हेरारिकल डेटाबेस मॉडल कौन सा है तो वो क्या कहते हैं कहते हैं ऑर्गेनाइज डेटा इन इनवर्टेड ट्री स्ट्रक्चर क्या कहता है इनवर्टेड ट्री अगर हम रियल लाइफ में ट्री को देखें तो क्या होता है रूट्स आपकी जमीन में होती हैं और जो ब्रांचिज होती हैं वो ऊपर की तरफ लेकिन अगर उल्टा कर दिया जाए तो रूट आपकी क्या होगी टॉप पे चला जाएगी और डिफरेंट ब्रांचेज आपकी क्या हो जाएंगी नीचे आ जाएंगी कहते हैं इट लुक्स लाइक अ इन्वर्टेड ट्री कहते हैं इट लुक्स लाइक अ इनवर्टेड ट्री यानी कि एक ट्री को अगर उल्टा कर दिया जाए इनवर्ट कर दिया जाए तो ये शेप उस तरह की आपको नजर आ रही होती है अभी हम देखेंगे इसकी जो डायग्राम है वो कहता है यूज ऑनर एंड मेंबर डेटा एलिमेंट्स कहता है इसके अंदर जो डेटा एलिमेंट्स इस्तेमाल किए जा रहे होते डेटा एलिमेंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो क्या क्या कहलाते हैं कहते हैं या तो ऑनर होते हैं या फिर मेंबर होते हैं ऑनर का मतलब यहाँ पे पेरेंट्स है जबकि मेंबर्स का मतलब यहां पे क्या है चाइल्ड यानी कि पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशनशिप चल रहा होता है आपके डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स के दरमियान बात क्लियर हुई दो बातें हमने हेरेकल मॉडल के हवाले से डिस्कस की हैं पहली कहता है ऑर्गेनाइज डेटा इन इनवर्टेड ट्री स्ट्रक्चर और सेकंड वन क्या कहता है यूज ऑनर एंड मेंबर डेटा एलिमेंट्स यानी कि दो तरह के डेटा एलिमेंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनको हम ऑनर और दूसरे को क्या कह रहे हैं मेंबर्स या ऑनर को हम रिप्लेस कर सकते हैं पेरेंट्स से और जो मेंबर है उसे रिप्लेस कर सकते हैं चाइल्ड से बात क्लियर होगी यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है चले जी बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स के लिए आप मूव करते हैं टूवर्ड्स नेक्स्टपोर्ट जी डे स्टूडेंट हेरारिकल मॉडल के हवाले से हमने दो चीजें डिस्कस कर ली है एक कहता है इट लुक्स लाइक ट्री स्ट्रक्चर और दूसरी बात हमने की थी कि इसमें डेटा एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं वो या तो ऑनर के लाते हैं या फिर मेंबर्स के लाते हैं मेंबर याद रखिएगा दीज आर दब ऑर्डिनेट ऑफ द ऑनर्स बात क्लियर हुई र दब ऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑनर यानी कि ऑनर की आगे जो ब्रांचेस जा रही है वो बेसिकली क्या होंगी आपके में कहलाएंगे अब ये जो अब ये जो डेटा एलिमेंट्स हैं जिनको हमने ऑनर और मेंबर में चेंज किया है या हम कहते हैं कि जी ये पेरेंट और चाइल्ड है कहते हैं वो किस तरह नजर आ रहे होते हैं वो किस तरह की शेप बना रहे होते हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस शेप जैसी होती है जैसे कि जरा देखें ए आपका एक डेटा एलिमेंट है बी सी डी ई ये सारे के सारे क्या है आपके डिफरेंट डेटा एलिमेंट हैं इनमें से ए आपका क्या है इसके आगे सब ऑर्डिनेट एग्जिस्ट करते हैं बी और सी लिहाजा ए आपका क्या है ऑनर है और बी और सी किसके चाइल्ड है या किसके मेंबर है ए के फिर इसी तरह बी एक ऑनर के तौर पे एक्ट कर रहा है किसके लिए डी और ई e के लिए बात क्लियर हो रही है यहां पर यानी कि हर जो मेंबर है उसका कोई ना कोई एक ऑनर होगा कोई ना कोई एक यानी कि हर जो चाइल्ड है उसका एक पेरेंट है बात क्लियर लेकिन कहते हैं यहां पर एक ऐसा डेटा एलिमेंट भी मौजूद है जिसका कोई ऑनर नहीं है बल्कि वो खुद एक ऑनर के तौर पे काम कर रहा है और अगर देखा जाए ट्री लाइक शेप में आपको ए एक ऐसा डाटा एलिमेंट मिल रहा है जिसके कोई भी आपका ऑनर नहीं है जिसका कोई भी पेरेंट नहीं है बात क्लियर हो रही है यहां तक कोई मसला तो नहीं है अब देखिए ये दो पॉइंट उसने क्या कह, क्या है कहते हैं सब ऑर्डिनेट है वन ऑनर यानी कि बी और सी के लिए ऑनर कौन है ए डी और ई e के लिए ऑनर कौन है बी अगर मैं कहूं सिर्फ ई e का ऑनर कौन है तो बी अगर मैं पूछूं कि सी के कोई सब ऑर्डिनेट है सी के कोई सब ऑर्डिनेट है तो आप कहेंगे इसका कोई भी सब ऑर्डिनेट नहीं है क्योंकि इसके कोई मेंबर्स नहीं है बात क्लियर होगी यहां तक फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है कहता है ओनली वन डेटा एलिमेंट हैज नो ऑनर यानी कि आपके पास एक ऐसा डेटा एलिमेंट मौजूद है जिसका ऑनर कोई नहीं है और वो मैं बता चुका हूं कि इस डायग्राम के अंदर ए वो डेटा एलिमेंट है जिसका कोई भी ऑनर नहीं मेक श्योर यहां पे एक चीज बहुत जरूरी है कहते हैं याद रखिएगा हर चाइल्ड हर मेंबर हर सब ऑर्डिनेट का एक ऑनर होगा एक से ज्यादा ऑनर नहीं होंगे जबकि कहते हैं एक ऑनर के मल्टीपल सब या मल्टीपल मेंबर्स हो सकते हैं जैसे कहते हैं कि जी एक से ज्यादा चाइल्ड हो सकते हैं पेरेंट्स के लेकिन चाइल्ड के एक से ज्यादा पेरेंट्स नहीं हो सकते बात क्लियर होगी क्या कह रहा हूं पेरेंट्स के एक से ज्यादा चाइल्ड हो सकते हैं लेकिन एक चाइल्ड के एक से ज्यादा पेरेंट्स नहीं हो सकते अब मैं ये जो रिप्लेस किया है ऑनर को आप चाइल्ड से रिप्लेस कर, कर दें या मेंबर कहें या सब ऑर्डिनेट के सेम टर्म के लिए यूज किया जा रहा होता है ठीक है लेकिन मेंबर की टर्म यूज की जाती है सब ऑर्डिनेट के लिए इन हेरिकल डेटाबेस मॉडल के अंदर हम इसे समम जब स्टडी करेंगे डिफरेंट बुक्स के अंदर तो हमें पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप के तौर पे भी कह रहा होगा हम बुक में रीड करेंगे जो अपनी है कोर्स बुक उसके अंदर ऑनर और मेंबर के तौर पर कह रहा होगा ऑनर या मेंबर या फिर मेंबर की बजाय उसको क्या नाम दे रहा होगा आपका सब ऑर्डिनेट इसीलिए उसने आगे नीचे उसने कहा डेटा एलिमेंट्स आपके कौन कौन से हैं कहते हैं लास्ट बोर्ड पे उसने कहा कि डेटा एलिमेंट्स कौन कौन से हैं एक ऑनर है और दूसरा मेंबर है लेकिन जैसे ही आगे नेक्स्ट बोर्ड पे आया तो उसने पहला पॉइंट क्या लिखा है कहता है सब ऑर्डिनेट जो है उसका एक पेरेंट लाजमी होगा एक ऑनर लाजमी होगा इसका मतलब है जो हमने मेंबर की बात की है वो बेसिकली कौन है सब ऑर्डिनेट बात क्लियर होगी यहां तक अब बात करते हैं यहां पर एग्जाम्पल्स की कहते हैं टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स अब टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स क्या है अब जरा गौर कीजिएगा टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स हम बुक के शुरू में टेबल ऑफ कंटेंट्स देखते हैं ना कहते हैं अगर हम किसी एक चैप्टर को रिमूव करें तो उसके जितने भी अंदर टॉपिक्स हैं वो भी क्या हो हैं? हो जाते हैं हैं रिमूव यहां पर क्या होगा जरा गौर करें अगर ए बी सी डी ई ये आपके पास पांच डेटा एलिमेंट्स हैं मैं अगर बी को सेंटर में से रिमूव कर दूं तो कहते हैं बी के जो चाइल्ड हैं वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे रिमूव हो जाएंगे सेम उसी तरह कि मैं चैप्टर नंबर थ्री को रिमूव करूंगा तो उसके कॉन्टेंट्स भी क्या हो जाएंगे ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे वो फिर आपके कोर्स का हिस्सा या बुक का हिस्सा नहीं होंगे उस टाइम समझ आ रही है बात फिर दूसरी बात क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी हमने चैप्टर नंबर जो टू के अंदर मेमोरी का कंप्लीट टॉपिक पढ़ा जिसमें कहा हमने मेमोरी की दो टाइप्स हैं एक आपकी प्राइमरी दूसरी आपकी सेकेंडरी प्राइमरी में हमने कहा इंटरनल प्रोसेसर है फिर हमने कहा रैम है फिर हमने कहा रॉम है ये डिफरेंट टाइप्स है फिर हमने उसकी बात की क्या कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी की तो सेकेंडरी मेमोरी में हमने क्या देखा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपके पास मैग्नेटिक टेप्स हैं मैग्नेटिक डिस्क हैं आपकी ऑप्टिकल डिस्क है आपकी चिप मेमोरी है ये सारी की सारी बेसिकली जो टाइप्स आ रही थी ये किस में आ रही हैं किस में लाई करते हैं ओरिजिनली आपके याद रखिएगा हेरिकल डेटाबेस मॉडल के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है यहां तक हेरिकल मॉडल आपको समझ आ चुका होगा अब हम बात करते हैं किसकी नेटवर्क डेटाबेस मॉडल की नेटवर्क बड़े आराम से बात करते हैं कहते हैं हमारा जो कंप्यूटर है अगर हम नेटवर्क की बात करें जो चैप्टर नंबर हमने फाइव में नेटवर्क को बड़ा डिटेल से डिस्कस किया वो क्या था एक कंप्यूटर एक से ज्यादा कंप्यूटर के साथ लिंक कर सकता है ठीक है तो कहते हैं यहां पर भी एज इट इज वही टर्म है नेटवर्क का मतलब ही क्या है कनेक्शन मल्टीपल नोड के साथ मल्टीपल डाटा एलिमेंट्स के साथ आपका कनेक्शन हो सकता है और यहां पे कहते हैं ऑनर याद रखिएगा एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कहते सकती लॉजिकल स्ट्रक्चर इन विच सम डेटा एलिमेंट्स कैन हैव मोर देन वन आवर कहते हैं एक ऐसा मॉडल एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपके पास क्या है कुछ ऐसे डेटा एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनके एक से ज्यादा पेरेंट्स है फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम को देखें कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ए का सी के साथ कनेक्शन है ए का डी के साथ है बी का ए के साथ है बी का डी के साथ है ई e के साथ अब मैं कहूं सी के ऑनर कौन कौन से हैं एग्जाम्पल अगर लू तो सी के ऑनर में हमें क्या मिलता है ए मिलता है सिंपल डी के ऑनर कौन कौन से हैं या डी का लिंक किसके साथ है तो पता चलता है डी का ताल्लुक ए के साथ भी और डी का ताल्लुक बी के साथ है. बात क्लियर हो रही है हाँ अगर मैं इसकी फ्लो डायरेक्शन कर दू इस तरह एग्जाम्पल देता हूं अगर मैंने एरो लगा दी है ना तो इसका क्या मतलब है ए अब पेरेंट है डी क्या चाइल्ड ए अब है डी मेंबर है, है और ये सारे के सारे जो ए बी सी डी ई सारे के सारे क्या है डेटा एलिमेंट है कहते हैं डी डी क्या एक ऐसा मेंबर है एक ऐसा डेटा एलिमेंट है, है जिसके ऑनर में ए भी आ रहा है और जिसके ऑनर में बी भी आ रहा है लिहाजा इसका मतलब है कि वो मॉडल जिसके अंदर एक डेटा एलिमेंट के एक से ज्यादा ऑनर हो सकते हैं वो क्या कहलाएगा आपका नेटवर्क यहाँ एक नोड का एक से ज्यादा नोड्स के साथ अगर कनेक्शन है तो इसका मतलब है वो कौन सा मॉडल है आपका नेटवर्क मॉडल अब यहां पे जरा बात कीजिएगा कहते हैं मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑब्वियसली नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर है याद रखिएगा वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है हमें नहीं पता कि किस तरह कौन सी नोड कौन सा डेटा एलिमेंट किस दूसरे डेटा एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है यह देखना बहुत ज्यादा मुश्किल है और अगर कोई कनेक्शन ब्रेक डाउन हो जाए तो उसे किस तरह मैनेज करना यह भी बहुत ज्यादा मुश्किल है इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है फिर एग्जांपल्स में देखें कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फैकल्टी एंड डिपार्टमेंट अब जरा गौर कीजिएगा मैं कहता हूं जी डिफरेंट डिपार्टमेंट है फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग है फॉर एग्जाम्पल मेडिकल है फॉर एग्जाम्पल आपका जो है क्या के, कहते हैं कंप्यूटर साइंसिस है फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स है ये चार डिफरेंट डिपार्टमेंट है इन चार डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या होगा आपके फॉर एग्जाम्पल कुछ सब्जेक्ट कॉमन होंगे फॉर एग्जाम्पल आप कंप्यूटर साइंसिस वालों को क्या कह रहे होंगे कह रहे होंगे यार कोई जो है इंग्लिश का सब्जेक्ट जो है वो फैकल्टी जो इंग्लिश की है उसे क्या पढ़ा दे अब वही इंग्लिश की फैकल्टी आपकी कहाँ पढ़ाएगी मेडिकल में इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस में कॉमर्स में वही आपकी उर्दू की फैकल्टी कहां पर आएगी कॉमर्स इंजीनियरिंग मेडिकल कंप्यूटर है यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट है और जो फैकल्टी है इनके दरम्यान आपका जो रिलेशनशिप बनशिप बन रहा होगा इनके दरम्यान जो आपका नेटवर्क बन रहा होगा वो बेसिकली क्या कहलाएगा एक नेटवर्क मॉडल कहलाएगा जहां पर एक फैकल्टी मेंबर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में काम कर सकता है बात क्लियर हुई जी नेक्स्ट रिलेशनल डेटाबेस मॉडल रिलेशनल याद रखिएगा रिलेशनल का वर्ड रिलेशन से निकला है और रिलेशन की टर्म term हम टर्मिनोलॉजीज में बड़ी डिटेल में डिस्कस करके हैं कि रिलेशन की टर्म किसके इस्तेमाल की जाती है टेबल के लिए किसके लिए टेबल के लिए अब क्या कहता है कहता है ये एक ऐसा लॉजिकल स्ट्रक्चर है दैट स्टोर्स डेटा इन रिलेशन यानी कि टेबल्स के अंदर जो डेटा स्टोर किया जा रहा होगा वो आपका कौन सा मॉडल है आपका रिलेशनल डेटाबेस मॉडल और कहता है यहां पर जो टेबल्स हैं जो रिलेशन हैं वो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं और रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स या रिलेशन है उनको आपस में एक दूसरे के साथ लिंक किया गया होता है और लिंक किस तरह करते हैं आपको याद रखिएगा बाय कॉमन फील्ड्स यानी कि हम क्या करते हैं दोनों टेबल्स को जिनको आपस में लिंक करना है उनके अंदर एक कॉमन फील्ड एक कॉमन एट्रीब्यूट डाल देते हैं जिसकी बेस पे वो आपस में क्या हो जाते हैं लिंक हो जाते हैं यहां तक बात क्लियर होगी कोई इश्यू तो नहीं है याद रखिएगा ये दो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या कहता है लॉजिकल स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स डाटा इन रिलेशन और टेबल्स और फिर क्या कहता है रिलेशन इन रिलेशनल डेटाबेस रिलेशन के ना कहते हैं टेबल्स को यानी कि टेबल्स जो होते हैं रिलेशनल डेटाबेस के अंदर वो क्या होते हैं दीज आर लिंक्ड विद ईच अदर बाय कॉमन फील्ड फील्ड एट्रीब्यूट को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं प्रॉपर्टी को कहते हैं बात क्लियर कहते हैं वो कॉमन एट्रीब्यूट के जरिए हम क्या करते हैं डिफरेंट रिलेशन को आपस में लिंक कर रहे होते हैं यहां तक बात क्लियर होगी अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और इसके जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स अब हमने दो पॉइंट तो रीड कर लिए एक क्या था कि डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स और दूसरी ये बात की थी कि जो टेबल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं लिंक्ड होते हैं बात क्लियर होगी थर्ड पॉइंट क्या कहता है कहता है प्रोवाइड मोर डेटा इंडिपेंडेंस यानी कि जो डेटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा है वो क्या है इंडिपेंडेंट है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है क्यों नहीं है उसकी रीजन जो बयान की जाती है उसकी वजह यह कहता है कि हर जो टेबल है वो कहता है याद रखिएगा एक सिंगल एंटिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा होता है स्टोर कर रहा होता है अब एंटिटी के बारे में भी हम कहां पे पढ़ के आए हैं आपको बताया है कि टर्मिनोलॉजीज के अंदर पढ़ा था और हमने क्या कहा था अ थिंग ऑफ इंटरेस्ट ठीक है अ थिंग ऑफ इंटरेस्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन अबाउट विच डेटा इज टू बी स्टोर्ड कहता है वो थिंग जिसके बारे में डेटा स्टोर किया जा रहा होता है वो क्या कहलाती है आपकी एंटिटी कहलाती है वो एंटिटी आपकी क्या हो सकती है वो प्लेस हो सकती है वो पर्सन हो सकती है जैसे कि हमने बात की थी स्टूडेंट एम्प्लॉय टीचर ठीक है ये सारे के सारे आपके क्या थे आपकी एंटिटी थी फिर अब बात क्या कहता है कहता है कॉमनली यूज डेटा बेस मॉडल कॉमनली यूज आजकल जितने भी डेटा आपके इस्तेमाल किए जा रहे हैं कहते हैं आजकल जितने भी डेटा इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो सारे के सारे कौन से हैं रिलेशनल डेटा और ऑब्वियसली जो रिलेशनल डेटा हैं उनके लिए जो मॉडल यूज किया जा रहा होगा वो कौन सा होगा आपका रिलेशनल डेटाबेस मॉडल बात क्लियर होगी यहां तक अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल की कहते हैं आल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली क्या था सॉफ्टवेयर था पढ़ के आए हैं इसी चैप्टर के स्टार्ट में हमने क्या था वो सॉफ्टवेयर जो कि बेसिकली किसको मैनेज कर रहा होता है किस को मैनेज कर रहा होता है दैट इज नोन एज डेटा मैनेजमेंट सिस्टम और यहां पर क्या कहता है कहता है जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल है बेसिकली इसको क्या कहा जाता है ऑब्जेक्ट डेटा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि वो डेटाबेस जो कि ऑब्जेक्ट्स को मैनेज कर रहा होता है ठीक है ऑब्जेक्ट्स को और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं आपके रियल वर्ल्ड कोई भी चीज फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है टेबल है एक ऑब्जेक्ट है रियल वर्ल्ड में आपके पास फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आप किसी भी चीज को किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं रेडियो एक ऑब्जेक्ट है टेलीविजन एक ऑब्जेक्ट है ये सारे के सारे आपके क्या है ऑब्जेक्ट्स हैं और कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है ऑब्जेक्ट्स के बारे में अब डायरेक्ट डेटा को स्टोर नहीं कर रहा किसको स्टोर कर रहा है ऑब्जेक्ट्स को ये सेकंड पॉइंट स्टोर कह रहे को स्टोर ऑब्जेक्ट रेदर देन डेटा अब प्योर सिर्फ डेटा को नहीं स्टोर कर रहा बल्कि एक पूरे ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है वो स्टोर कर रहा है और फिर क्या कहता है कहता है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैव टू कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है जितने भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक उसकी स्टेट क्या होगी दूसरा उसका बिहेवियर क्या होगा बात क्लियर होगी फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देते हैं ऑब्जेक्ट क्या रेडियो इसकी स्टेट क्या क्या है ऑन है ऑफ है करंट चैनल है या वॉल्यूम ये इसकी डिफरेंट स्टेट्स है कहते ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है स्विच ऑन करना पड़ता है अगर ऑफ करना है तो क्या करना पड़ेगा स्विच ऑफ करना पड़ेगा ये बिहेवियर है कहते हैं ऑन करने के लिए हमें हम कहते हैं जी आपका रेडियो ऑन स्टेट में है क्यों ऑन स्टेट में आया क्योंकि हमने एक बिहेवियर अप्लाई किया था उसे स्विच ऑन किया था क्यों ऑफ स्टेट में गया क्योंकि हमने उसे स्विच ऑफ किया था उसके अगर करंट चैनल पे आया तो किस तरह आया था ट्यून करके आया था चैनल की ट्यूनिंग की थी और कहता है वॉल्यूम इस लेवल पे आया तो क्यों है क्योंकि या तो हमने अप किया होगा या डाउन किया होगा यानी कि क्या है आपके पास स्टेट्स भी मौजूद है और उसके अगेंस्ट आपके बिहेवियर भी मौजूद है और बिहेवियर ही ओरिजिनली काम कर रहे होते हैं जो कि स्टेट्स को चेंज कर रहे होते हैं जैसे कि ऑफ है तो उसे ऑन करना है तो टर्न ऑन करना पड़ेगा स्विच ऑन करना पड़ेगा ऑन है तो ऑफ करना है तो क्या करना पड़ेगा टर्न ऑफ करना पड़ेगा स्विच ऑफ करना पड़ेगा चैनल चेंज करना है करंट कोई डिफरेंट चैनल करना है तो क्या करेंगे ट्यूनिंग करेंगे चैनल्स की और अगर आप वॉल्यूम को क्या कह रहे हैं इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहेंगे तो वॉल्यूम को अप या डाउन कर रहे क्लियर हुई यहां तक कोई इश्यू तो को नहीं है यहां तक हमारा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल क्या हो गया कंप्लीट हो गया इससे नेक्स्ट जो लास्ट वन है आपका वो क्या है ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मॉडल ऑब्जेक्ट और रिलेशनल डेटाबेस मॉडल अगर देखा जाए तो लगता नहीं है कि ये दो डिफरेंट मॉडल्स का कॉम्बिनेशन है एक आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का और दूसरा आपका रिलेशनल डेटाबेस का क्या कहता है कहता है वेरी सिमिलर टू रिलेशनल डेटाबेस बेस वेरी सिमिलर टू रिलेशनल डेटा बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच कहता है रिलेशनल डेटाबेस की तरह ही डेटा स्टोर हो रहा होगा लेकिन उसके अंदर जो अप्रोच यूज की जा रही होगी वो कौन सी होगी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच होगी यानी कि आपका डेटा स्टोर टेबल्स के अंदर होगा लेकिन इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट बात क्लियर होगी फिर क्या कहता है कहता है स्टोर डेटा इन डेटा बेस एज ऑब्जेक्ट बात क्लियर होगी कि टेबल्स के अंदर ही डेटा स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स और क्या कहता है डेटा कैन बी मैनिपुलेटेड यूजिंग क्यूरी लैंग्वेज और कहता है डेटा के ऊपर जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो किसके जरिए करेंगे हम कहता है क्यूरी लैंग्वेजेस के जरिए कहते हैं ओरिजिनली जो डेटा बेसिस है ना उनके लिए एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज एस क्यू एल क्यूरी लैंग्वेज तो कहते हैं जितने भी डेटा अंदर क्यूरी लैंग्वेजेस ही इस्तेमाल की जा रही होती है फॉर द परपज ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन टू बी परफॉर्मड फिर उसके बाद जो मेन बात आती है वो क्या है आपकी वो कहता क्या है कहता है कि याद रखिएगा दुनिया में इस वक्त कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो के इस ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को यूज कर रहा है तो याद रखिएगा ओरेकल एक बहुत पावरफुल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है और वो किस मॉडल को फॉलो करता है वो मॉडल फॉलो करता है आपका ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को बात क्लियर होगी यहां तक आज हमने बेसिकली क्या किया है डेटाबेस मॉडल्स को डिस्कस किया है यानी कि लॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ डेटाबेस को उसमें हमने पांच डिफरेंट मॉडल्स की डिस्कशन की जिसमें हमने हेरेरिकल मॉडल को डिस्कस किया फिर हमने नेटवर्क मॉडल को डिस्कस किया फिर रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को डिस्कस किया उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल और उसके साथ साथ हमने जो डिस्कशन की वो ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की है उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा इन नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज